नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ जिला गढ़वा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। गढ़वा उपायुक्त को सौंपा 5 सूत्री मांगों का आवेदन पत्र। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ के गढ़वा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पासवान ने कहा कि हम लोग वर्ष 2016 से सामाजिक अंकेक्षण कार्य करते आ रहे हैं, परंतु अब तक स्रोत व्यक्तियों के साथ झारखंड सरकार द्वारा नीति संगत कार्य नहीं किया गया है, जिसके लिए हम गढ़वा जिले के साथ साथ सभी जिलों के स्रोत व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने जिले में 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हमारी मांगों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए हमारी मांगों को पूरा करने में उपायुक्त महोदय अपना बहुमूल्य योगदान जरूर देंगे, और अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम लोग जिला लेवल से चलकर राज्य स्तर तक धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आज का? आज हम लोग सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ का गढ़वा जिला इकाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता रखे हुए हैं, जो कि हम लोग सामाजिक अंकेक्षण का कार्य 2017 से करते आ रहे थे। बीच में हमारी 2 वर्षों से सभी का मानदेय बकाया है, और हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हमारे जो भी सामाजिक अंकेक्षण कर्मी का मानदेय 2 वर्षों से बकाया है उस पर जल्द से जल्द वह भुगतान करने का कार्य करें, तथा सामाजिक अंकेक्षण कार्य कर चुके बीआरपी और बीआरपी एसडी एवं WDA एवं सहयोगी दल का जो भी हमारे 2 वर्षों से सिर्फ जिला का बकाया राशि और 24,66,000 रुपये वो अभिलंब 15 दिनों के अंतर्गत भुगतान करें, तथा दूसरी हमारी मांग है कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य 1 माह के अंदर शुरू करते हुए सभी तरह के कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए। हमारी तीसरी मांगे हैं बीआरपी एवं लिस्टेड बीआरपी को अंशकालिक कार्य की जगह पर पूर्णकालिक कार्य करने की सुनिश्चित किया जाए एवं पूर्णकालिक करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, एवं सभी बीआरपी, बीआरपी एसडी, बीआरपी डब्ल्यू डी एवं सहयोगी दल को नियमित कार्य उपलब्ध कराते हुए मानदेय 550 रुपये प्रति दिन की जगह पर 800 रुपये निर्धारित करते हुए यात्रा भत्ता दिया जाए। तो हमारी चौथी मांग है कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई को स्वतंत्र इकाई के रूप में निबंधित कर सभी स्रोत व्यक्तियों को समायोजन किया जाए। हमारे और पांचवी मांग हैं कि सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सत्यापित और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित मुद्दों पर ससमय उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हम लोग इन्हीं सभी मांगों के साथ आज जिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं, जो कि हमारे सभी सामाजिक अंकेक्षण दल के स्रोत व्यक्ति हैं, और हम लोग सरकार से यही आग्रह चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को 15 दिन के अंदर भुगतान करें और कार्य को प्रारंभ करने की मदद करके, कि आज हम लोग कार्य को जब छोड़कर बैठ गए हैं तो हम लोग को जो स्थिति आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, अगर हमारी बातों को सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग जिला लेवल से चलकर राज्य स्तर तक धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे, धरना देने के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान हुआ, सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्रोत गढ़वा जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भंडारिया से धर्मेंद्र पासवान, सविता देवी, प्रभा देवी, रमकंडा से वीरेंद्र प्रसाद, यशवंत यादव, शिव पूजन, रंका से सुप्रिया कुमारी, उर्मिला कुमारी, कृष्णा पाल, अनिल मेहता, ओमकार उपाध्याय, मिराल से उपेंद्र कुमार, रूपू महतो, डंडई से छट्टू पासवान, बरडीहा से महेंद्र यादव, वीरेंद्र ठाकुर उपस्थित थे। धन्यवाद। माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर, लेडीज ड्रेस, किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल, माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।